प्रातः क्लास चल रहा था 23 मार्च 1966। तीसरे पेज में पहली लाइन में बात चल रही थी जिनका नाम बाला नहीं होना है तो मुख से वो अच्छी अच्छी पॉइंट नहीं निकलती है, किसको समझाते नहीं हैं, या तो कहेंगे नाम निकालने में अभी देरी है। जिस कारण समझाने समय मुख्य मुख्य पॉइंट्स भूल जाते हैं। ये भी समझाना चाहिए ना, ये राजसूय अश्वमेध अविनाशी रुद्र ज्ञान यज्ञ है, स्वराज्य पाने के लिए है। बोर्ड पर भी लिख सकते हैं, इस यज्ञ में पुराना सारा भारत, पुरानी दुनिया, इनमें स्वाहा हो जानी है। जिसके लिए ये महाभारत लड़ाई सामने खड़ी है, विनाश के पहले ही ये स्वराज्य पद लेना हो तो आकर के लो। बोर्ड पर तो बहुत कुछ लिख सकते हैं, एम ऑब्जेक्ट भी आ जावे, नीचे लिखना चाहिए स्वराज्य पद मिलता है, जितना हो सके क्लियर लिखना चाहिए जो कोई भी पढ़ने से समझ जावे। बाबा डायरेक्शन देते हैं, ऐसे ऐसे बोर्ड बनाओ, ये अक्षर जरूर लिखना चाहिए, आगे चल करके इस यज्ञ का प्रभाव बहुत निकलेगा। लोड़े तो बहुत आवेंगे, कहते हैं सच की बेड़ी लुढ़ेगी बुड़ेगी नहीं, क्षीर सागर की तरफ जाना है तो विषय सागर की तरफ दिल नहीं रहनी चाहिए। अब जो ज्ञान नहीं लेते हैं उनके पिछाड़ी पड़ना अपनी सत्यानाश करनी है। बाबा ने समझाए दिए है, देखो ये ज्ञान उठाने लायक ही नहीं है तो उनकी पिछाड़ी अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। समझानी तो बहुत सहज है, तुम ही देवी देवता पूज्य थे, अब पुजारी बने हो। फिर बाप कहते हैं मां में कम याद करो तो खाद निकल जाएगी, तुम्हारे पाप भस्म हो जाएंगे। और कोई उपाय नहीं है, यही सच्चा सच्चा उपाय है, परंतु योग में रहते नहीं है। देह अभिमान बहुत है, देह अभिमान जब मिटे तब योग में रह सकें, कर्मातीत अवस्था हो, पिछाड़ी में कोई भी चीज याद नहीं आनी चाहिए। कोई कोई बच्चों का किस चीज में इतना मोह पड़ जाता है बात मत पूछो, शिव बाबा को कभी याद भी नहीं करते हैं। परम जली याद करना है, कहा जाता है काम कार्डे दिल्याडे,
ऐसे बहुत मुश्किल किसका रहता है, चलन से ही पड़ जा पता पड़ जाता है। यज्ञ का रिकॉर्ड नहीं रखते हैं, नहीं तो इस यज्ञ की बड़ी संभाल करनी चाहिए। संभाल की गोया माता को खुश किया, हर बात में संभाल चाहिए। गरीबों का पाई पाई इस यज्ञ में आता है, जिससे वो गरीब पदमपति बनते हैं। माताएं जिनके पास कुछ है नहीं, एक दो रुपया आठ आना यज्ञ में देती है, वो पदमपति बन जाते हैं, क्योंकि बड़े सदके से खुशी से लाती है। बाप कहते हैं मैं हूं ही गरीब निवाज, तुम बच्चों के लिए ही आया हूं। कोई आठ आना ले आती है, बाबा मकान में एक ईंट लगा दो। कब दो मुट्ठी अनाज ले आती है तो उनका वो बहुत हो जाता है। कड़ा कड़ा दाना मोहर बराबर हो जाता है। ऐसे थोड़े ही है तुमको कोई गरीबों को बैठ के देना है। गरीबों को तो वो दुनिया भी साहूकार लोग देते हैं। ऐसे तो दुनिया में ढेर गरीब हैं, सब आए यहां बैठ जावे तो माथा ही खराब कर दे। ऐसे तो बहुत कहते हैं, परंतु बहुत संभाल से लेना होता है। ऐसे न हो यज्ञ में आकर के उधम मचावे। यज्ञ में तो बहुत पुण्यात्मा बनना चाहिए, बड़ी संभाल करनी चाहिए, रिगार्ड रहना चाहिए यज्ञ के लिए। जिस ईश्वरीय पाठशाला से हम अपना शरीर निर्वाह करते हैं, यज्ञ का पैसा किसको देना बड़ा पाप है। ये पैसे हैं ही उनके लिए जो कौड़ी से हीरे जैसा बनाते हैं, ईश्वरीय सर्विस में है। बाकी गरीबों आदि को देना करना ये दान पुण्य तो करते ही आए हैं जन्म जन्मांतर। उतरते उतरते पाप आत्मा ही बनते आए। जैसे सन्यासियों को देते हैं, वो क्या करते हैं, वो तो महान पापात्मा बनाते, क्योंकि बाप से बेमुख करते हैं, गालियां देते रहते हैं। बेहद का बाप तो कच्छ मच्छे में है, परंतु ये बातें भी कोई की बुद्धि में बैठती नहीं। सुनते ऐसे हैं जैसे बंदर लोग, अपने धन का ही नशा रहता है। प्रदर्शनी छोटे छोटे गांव में अच्छी चलेगी, गांवड़े का गरीब एक भी निकलावे वो भी अच्छा है। इसमें फर्क तो है नहीं, लक्ष्मी नारायण ने ये राजा ही पाई। खर्चा क्या किया, कुछ भी नहीं।
विश्व की बादशाही पाने में खर्चा कुछ भी नहीं है। वो लोग तो आपस में कितना लड़ते हैं, बारूद आदि पर कितना खर्चा होता है। लिखा था 5 अरब खर्चा हुआ, पाकिस्तान हिंदुस्तान की लड़ाई में 1 करोड़ खर्चा सेकंड में विश्व की बादशाही लो। अलफ को याद करो, बे बादशाही तो है ही। बाप कहते हैं जितना हो सके सच्ची दिल से सच्चे साहब को राजी करो तो सचखंड के मालिक बनेंगे। झूठ यहां नहीं चलेगी, याद करना है। ऐसे नहीं कि हम तो बच्चे हैं ही नहीं, याद करने में बड़ी मेहनत है। बड़े घोटाले आवेंगे, बुद्धि ठहरेगी नहीं। बाबा अनुभवी है, बताते रहते। कई बच्चे अपन को मुंह मियां मिट्ठू समझते हैं, परंतु बाबा कहते बहुत मेहनत है। अच्छा, माता पिता बाप दादा का मीठे मीठे बच्चों प्रति याद प्यार और गुड मॉर्निंग। ओम शांति।